लोकसभा में चर्चा के बाद एनआईए संशोधन विधेयक हुआ पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा के मामलों में न हो कोई राजनीति, कानून का नहीं होगा किसी प्रकार का दुरुपयोग। प्रदेश कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। घरों में छोटी दुकानों के लिए जाने वाले टैक्स में दी गई राहत। दरोगा से इंस्पेक्टर बनने के लिए विभागीय परीक्षा में अब 35% ही अंकों की जरूरत। प्रदेश में लोक सेवा आयोग का वार्षिक कैलेंडर 2020 तक होगा लागू। प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा, आयोग में नहीं पनपने दिया जाएगा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार। प्रदेश में बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर समेत कई जनपदों में सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि हुई जलमग्न। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सतीश। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में एनआईए संशोधन बिल 2019 लंबी बहस के बाद पारित हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि एनआईए आतंकी घटनाओं की जांच के समय आरोपी व्यक्तियों की धार्मिक पहचान को नहीं देखता। उन्होंने कहा कि विधेयक का मकसद आतंकवाद को समाप्त करना है, न कि किसी को निशाना बनाना। बिल के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 6 वोट पड़े। आतंकवाद के मामलों की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को और अधिक ताकतवर बनाने के उद्देश्य से लाया गया एनआईए संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा के बाद सदन ने इसे पारित कर दिया। कुछ सदस्यों ने इसमें संशोधन रखे थे जो सदन ने खारिज कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की ना कोई इच्छा है, ना मनसा है, ना हम कभी होने। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा, मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इसकी कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नश्यत करने का काम ये कानून करेगा, ये मैं सदन को आश्वस्त करना। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की एनआईए कानून का दुरुपयोग करने की न तो कोई इच्छा है और न ही कोई मंशा, और इस कानून का शुद्ध रूप से आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही उपयोग किया जाएगा। पोटा को मिसयूज के लिए रिपील नहीं किया गया था, पोटा को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया। कोई मिसयूज नहीं हुआ पोटा का, मैं स्पष्ट करना चाहता। पोटा एक कानून था जो देश को आतंकवाद से बचाता था। पोटा एक कानून था जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता था। पोटा एक कानून था आतंकवादियों के जहन के अंदर भय पैदा करता था, और जो करते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता था, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। वो कानून को 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में रिपील किया। कुछ सदस्यों द्वारा आतंकवादी गतिविधि रोकथाम अधिनियम पोटा का जिक्र किए जाने के संदर्भ में गृह मंत्री ने कहा कि पोटा कानून को वोट बैंक बचाने के लिए वापस लिया गया था। विधेयक के उद्देश्यों और प्रावधानों की बात करें तो संशोधन विधेयक का मकसद एनआईए अधिनियम को मजबूत बनाना है। यह कानून देश में आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों को ताकत देगा। अभी एनआईए को देश से बाहर जांच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संशोधन के बाद एजेंसी को ऐसा अधिकार मिल जाएगा। कानून में भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में एजेंसी को मामले का पंजीकरण और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विवरण के मकसद से एक या अधिक सत्र अदालत या विशेष अदालत स्थापित करें। विधेयक से एनआईए की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकेगा और वो विदेशों में भी भारतीय और भारतीय परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों की जांच कर सकेंगी जिसे आतंकवाद का निशाना बनाया गया हो। इसमें मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े विषयों की जांच का अधिकार देने की बात भी कही गई है।
इससे पहले निचले सदन में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक को चर्चा और पारित होने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, ऐसे में सरकार एनआईए को सशक्त बनाना चाहती है। रेड्डी ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनआईए को भारत के बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीयों के खिलाफ मामले की जांच करने में सक्षम बनाया जा सके। आतंकवाद एक स्टेट का, एक जिला का, एक स्थान का परिमित नहीं है। आतंकवाद इंटरस्टेट का इश्यू हो गया, आतंकवाद इंटरनेशनल का इश्यू हो गया। अलग अलग देशों से आके लोग भारत के अंदर, दुनिया के अंदर आतंकवाद गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे, इसलिए हम इस एनआईए के बिल को थोड़ा और शक्तिशाली, मजबूत बनाना चाहते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने बिल के प्रावधानों पर सवाल खड़े किए। इट्स नॉट अबाउट योर यूपीए वर्सेज एनडीए। व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, दिस हाउस मस्ट स्टैंड इन वन वॉइस टू टेल द वर्ल्ड दैट वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनी करप्शन और एनी नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। सो आई रिक्वेस्ट यू सर नॉट टू मेक दिस अ पॉलिटिकल डिबेट। यू हैव अ प्रोविजन दैट यू डोंट टेक योर ओन स्टेट गवर्नमेंट इन टू कॉन्फिडेंस, your own state police into confidence. At certain level, at the highest level, at least at the police, at the state police, information should be shared before investigation and they should become part and parcel of the investigation. लोकसभा से पास होने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा से पास कराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये संशोधन लागू हो जाएंगे। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर कल देर रात तक चर्चा चली। इससे पहले लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और ज्यादा सख्त किया गया। इस बिल में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन स्वामी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का, वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे प्रावधान हैं। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना और जेल का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में कल सरोगेसी नियमन विधेयक भी पेश किया गया। इस बिल के माध्यम से भारत में किराए की कोक की व्यवस्था के नियमन का प्रस्ताव किया गया, जिसके लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। बिल के जरिए वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लग सकेगी। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा में आज मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार ने घरों में छोटी दुकान चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 5 गुना गृहकर घटाकर अब 1.5 गुना कर दिया है। इससे बेरोजगारी की समस्या पर भी अंकुश लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी। सोमवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ खाने के मिलावट होने के मामले में सरकार बेहद गंभीर है। अब खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के मिलावट के मामले में लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने एक स्वर से मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीक चिन्ह लोगों का अवैध ढंग से प्रयोग करना अब दंडनीय अपराध होगा। कैबिनेट ने इसे भी मंजूरी दे दी है। दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिए अलीगढ़ जिले की खैर तहसील के ग्राम अंडला में कृषि विभाग की 45.489 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास विभाग को निःशुल्क देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यूपी पुलिस में दरोगा से इंस्पेक्टर बनने के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा में अब सिर्फ 35% अंक लाने पर भी प्रमोशन हो जाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। अब तक प्रमोशन के लिए होने वाली 400 नंबर की परीक्षा में 100-100 नंबर के पेपर होते थे, जिसमें पास होने के लिए 50% अंक लाना जरूरी होता था, पर अब 35% अंक होने पर भी उत्तीर्ण माने जाएंगे, लेकिन ओवरऑल 50% अंक लाना जरूरी होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पद से संयुक्त निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पद पर पदोन्नति करने हेतु चयन प्रक्रिया का प्रावधान करने के निमित्त उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सेवा नियमावली
प्रथम संशोधन नियमावली 2090 का प्रस्ताव, इसमें उप निदेशक के पद से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति करने हेतु चयन प्रक्रिया का प्रावधान करने के निमित्त ये संशोधन इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा है कि 2020 तक प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक कैलेंडर लागू हो जाएगा। दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि 2020 से पहले जितनी परीक्षाएं और परीक्षा परिणाम लंबित हैं उन्हें पूरा करवाया जाएगा, साथ ही आयोग में किसी भी भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा होने के पश्चात कई वर्षों तक उसका परीक्षा परिणाम घोषित न होना है। जैसे आप जानते हैं, कहते भी हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, अगर परीक्षा हमने कर ली और उसका परिणाम कई वर्षों तक घोषित नहीं हुआ तो ये अपने आप में एक संदेह को जन्म देता है जी। तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता जो मैं सोचता हूँ वो ये होगा कि मैं परीक्षाओं को नियमित रूप से कराऊँ। और इसमें मैंने पूर्व में ही अपने जो भी परीक्षा नियंत्रक हैं या जो और इससे संबंधित अधिकारी हैं जी, उनसे ये सलाह मशविरा कर लिया है कि 2020 की परीक्षाएं प्रत्येक दशा में 2020 में होंगी। इसका मतलब ये है कि उससे पहले की जितनी परीक्षाएं हैं जो कि लंबित हैं जी, मुझे 2020 से पहले करानी हैं जी, और उनके नतीजे घोषित करने हैं, शुचितापूर्वक करानी है, निष्पक्ष करानी है, फेयरनेस के साथ करानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्रभात कुमार से दूरदर्शन पर खास बातचीत देखिए आज शाम 6:30 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नीति आयोग का उत्तर प्रदेश के प्रति सकारात्मक रवैया राज्य को विकास पथ पर आगे ले जाने में सहायक है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए नीति आयोग के सुझावों को लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ स्थित लोक भवन में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा ये प्रयास किया जाए कि राज्य का प्रत्येक आकांक्षात्मक जनपद देश में उच्च स्थान प्राप्त करे। उन्होंने आकांक्षात्मक जनपदों से संबंधित डेटा समय से फीड किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के कार्यों की विशेष समीक्षा की और निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। यूपी ने इन 8 जिलों में बहुत अच्छा काम किया है और कई इंडिकेटर्स में बहुत आगे किया है। आज की मीटिंग से चर्चा हुई है जो मॉडल हम डॉक्टर काम रियल टाइम डेटा लेते हैं, हर मिनट मिनट का डेटा लेते हैं और रियल टाइम डेटा के बेसिस पे न केवल हम आकांक्षी जिलों की रैंकिंग बल्कि वही मॉडल यूपी गवर्नमेंट उपयोग करके सारे जिलों की रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करें और सारे जिलों की रैंकिंग करें और जो आकांक्षी ब्लॉक्स हैं 20% ब्लॉक उनका भी डेटा कलेक्ट करें और ब्लॉक की भी रैंकिंग हो। तो जब ब्लॉक की रैंकिंग होगी रियल टाइम डेटा पे और जब डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होगी रियल टाइम डेटा के बेसिस पे, तब फिर आप देखिएगा एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन में खासकर बहुत बड़ी क्रांति आएगी। स्वच्छता अभियान का असर हाथरस के रामपुर गांव में देखने को मिल रहा है। ये गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। रामपुर गांव के प्रधान विनोद कुमार स्वयं गांव में साफ सफाई रखने पर खासा जोर देते हैं। वह सुबह करीब 5 बजे अपनी टोली के साथ निकलते हैं और गांव में झाड़ू लगाते हैं। गांव में जगह जगह कूड़ेदान लगे हुए हैं। प्रधान और उनके साथी मिलकर कूड़ेदानों को खाली करते हैं और कचरे को कंपोस्ट यूनिट में डाल देते हैं। गांव में पानी को एकत्रित नहीं होने देते जिससे वहां मच्छर पैदा ना हो। इससे गांव में बीमारियां भी बेहद कम फैलती हैं। उन्होंने गांव के बाहर तालाब खुदवाए हैं जिनमें गांव का तथा बारिश का पानी एकत्र हो जाता है और गांव किसान खेती के लिए उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी ट्रायल चल रहा है। फिलहाल 2-3 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लग चुके हैं।
पहले तो हमने लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए शौचालय बनवाए, पूरा गांव ODF कराया। ODF कराने के बाद तत्कालीन DM साहब से हमने प्रेरणा ली इस काम के लिए, कलेक्टर सभागार में पूरा गांव ODF हो गया 25 दिन में। तो मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्यपाल द्वारा हमें सम्मानित किया गया। अब हमने स्वच्छता के प्रति पूरा ध्यान दिया है, लोगों की स्वास्थ्य के लिए हम गाँव में डस्टबिन लगवाए हैं, उन डस्टबिनों को खाली करते हैं, साफ सफाई करते हैं, गंदगी नहीं होने देते। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव रामपुर के हर घर में शौचालय बन चुके हैं। गांव की सफाई के लिए टीम भी गठित की गई है। टीम सुबह 5 बजे से निकलती है और गांव की सफाई करती है, जिससे गांव के अंदर बीमारियां भी बेहद कम फैलती हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि गांव साफ सुथरा है, उनकी टीम है जो साफ सफाई करते हैं, और घरों का हम लोग जो हमारे घर के आगे डस्टबिन लगे हुए हैं उसमें हम कूड़ा डालते हैं, और यहाँ पर नाली वगैरह भी साफ रहती हैं, सफाई करते हैं। और इसमें उन्होंने प्रधान जी ने एक नया और निकाला है, जो बारिश का पानी आता है जो उसका पनारा है, उसके लिए उन्होंने घर के आगे गड्ढे कराने के लिए कहा है, जिसमें एक बोरिंग हुई है 40 फुट की, उसके अंदर पाइप डाला हुआ है जिससे बारिश का पानी उसके अंदर जाता है। 14-15 लोग हैं, सुबह से निकलते हैं 5 बजे से, और डेढ़ घंटे करीब काम करके जब आते हैं, डस्टबिन खाली करना, झाड़ू लगाना, और जो है जो भी गंदगी है वो सफा करनी, और जो है स्वच्छता के लिए, ऐसे गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं। सासरी में स्थित स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप रावत कहते हैं कि सफाई और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जीवन में अपनाएं। रामपुर गांव में स्वच्छता की मुहिम प्रधान विनोद कुमार द्वारा चलाई गई है, जिसका परिणाम ये है कि वहां के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। सरकार द्वारा एक इस समय 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जो जिससे संचारी रोग अभियान के अंतर्गत हम लोग साफ सफाई, स्वच्छता, नालियों की सफाई के बारे में लोगों को, जनमानस को जागरूक कर रहे हैं। जो गांव रामपुर में वहां के जो प्रधान हैं विनोद जी, उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, अपने गांव को ODF करवाया है, सबसे पहले हाथरस जनपद में और बाकी आसपास अच्छी साफ सफाई कराई है। तो वहाँ ये फ़र्क आया है कि वहाँ के लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ मलेरिया की स्लाइड हमारी काफ़ी कम आ रही हैं, लोग जल्दी जल्दी जैसे बीमार हो जाते थे, ज़्यादा बुखार आता था, चिकनगुनिया वगैरह के केस नहीं आ रहे, मलेरिया के केस भी कई कई कम आ रहे हैं, डायरिया इस बार वहाँ के बच्चों को नहीं हुआ है, वह काफ़ी कम केस वहाँ से आए हैं। रिजर्व बैंक ने सोमवार को SBI पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा केंद्रीय बैंक से साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। SBI पर पेनाल्टी इनकम रिकग्निशन और असेट क्लासिफिकेशन IRAC नियमों, चालू खाता खोलने और ऑपरेट करने में कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करने, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स CRILC को डाटा की रिपोर्ट नहीं देने, NPA की पहचान, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने और फ्रॉड के क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं देने के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्सव महोत्सव और अनुष्ठान शुरू हो गए। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दर्शन और पूजन सुबह से शुरू हो गए। इस दौरान दूर दराज से आए हुए भक्त अपने गुरु का दर्शन करने के लिए लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, साथ ही साथ पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी। मथुरा के गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारी भीड़ पहुंच गई है। दूर दराज से आए श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। गोस्वामी महाराज की याद में यहां आज भी उनके भक्तजन आकर विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। अपने सिर मुंडन कराकर मुंडिया संतों ने गोवर्धन के श्री राधा श्याम सुंदर महंत के महंत श्री रामकृष्ण दास के सानिध्य में मुंडन संस्कार कराकर पूजन अर्चन किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 1500 रोडवेज की बस तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए लगाई गई है।
रेलवे स्टेशनों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। एक सौ 149 वर्षों के बाद होने वाले आंशिक चंद्रग्रहण और गुरु पूर्णिमा को भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। सहारनपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राज्यीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस मैंगो फेस्टिवल में स्थानीय आम उत्पादकों के अलावा पड़ोसी जनपदों और दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा के कुछ जनपदों के आम उत्पादक किसानों और निर्यातकों ने भाग लिया। मैंगो फेस्टिवल में एक मैंगो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें लगभग 150 आम की प्रजातियों को रखा गया। इसके अलावा फेस्टिवल में मैंगो खाने की प्रतिस्पर्धा, रंगोली और पेंटिंग प्रतिस्पर्धा जैसे रोचक इवेंट्स का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस मैंगो फेस्टिवल का उद्देश्य आम निर्यातकों और आम उत्पादक किसानों को अच्छी किस्म और स्वादिष्ट आमों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि यहां के आम उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और हमारे यहाँ अनेक वैरायटियों की आम की फसलें होती हैं, तो बहुत सारे देश में और दुनिया के भीतर वो सुविख्यात हैं और उनकी मांग लगातार बढ़ रही है, और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात पर बल दे रही है कि मैंगो के आम के उत्पादन में उनके अच्छे वैरायटी का विस्तार किया जाए, साथ साथ में उसके क्वालिटी का सुधार किया जाना और पैक हाउस और रैपिंग सेंटर के माध्यम से उसको और अच्छा उनको पकाने की दृष्टि से उसकी व्यवस्था किया जाना और एक्सपोर्ट क्वालिटी को बनाया जाना। सहारनपुर में भी राज्य सरकार के प्रयासों से एक मैंगो पैक हाउस बना है जो चल रहा है, अभी मैं जाकर के उसको देखने वाला हूँ भी हूँ, और एक लखनऊ में भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से कोशिश ये हो रही है कि आम के एक्सपोर्ट को बढ़ा करके हम देश के अपने आम उत्पादक किसानों को हम अच्छी कीमतों को दे सकें। रायबरेली जिले के लालगंज स्थित बॉबी गेस्ट हाउस में साहित्यिक संस्था काव्यालोक ने गीतकार डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया की जयंती पर साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाओं का पाठ किया। कवि सम्मेलन के दौरान गीतकार शैलेंद्र शर्मा, कवि शिव ओम अंबर, पूर्व विधि न्याय मंत्री गिरीश नारायण पांडे, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश नारायण सिंह बच्चा बाबू, सावित्री सिंह, पत्रकार नरेंद्र सिंह भदौरिया को डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने स्वर्गीय भदौरिया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि वो कालजयी हैं, उनके गीत सदैव उनकी याद दिलाते रहेंगे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के तराई क्षेत्र में स्थिति ज्यादा खराब है। बहराइच, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, मऊ और गोरखपुर जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इन जिलों में घाघरा, राप्ती, कवान और गंडक सहित लगभग सभी नदियों में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नेपाल से आ रहे पानी के कारण भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों के पास रहने वाले लोग अपने गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। बहराइच जिले में नदी के कटाव के कारण 300 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन नष्ट हो गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और इन क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बाराबंकी जिले में लगातार बढ़ रहे घाघरा नदी के जलस्तर से तटवर्ती गांवों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव में कटान भी काफी तेजी से हो रही है। सिरौली गौसपुर क्षेत्र के ग्राम टेपरा के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण पलायन करके तटबंध पर अपना ठिकाना बना रहे हैं। टेपरा के साथ ही तेलवारी गांव में भी कटान हो रही है। इसके अलावा रामनगर क्षेत्र के कचनापुर, कोरिनपुरवा और जैनपुरवा की जमीन भी कट रही है। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है और बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का दावा कर रहा है। बाराबंकी के जिलाधिकारी के मुताबिक घाघरा नदी की बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है।
बाढ़ का पानी बढ़ने के बारे में तटवर्ती गांवों को सतर्क किया जा रहा है। बाढ़ से राहत एवं बचाव के लिए संबंधित विभागों की टीमें सक्रिय हैं। नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। तो अब बिगड़ते ही चली जा रही है और नदी बाढ़ ही रही है और बाढ़ के अलावा नदी कटान बहुत जोर चल रहा है, उससे सब लोग बहुत व्याकुल हैं हम लोग, क्योंकि हमको रहने ठिकाना भी नहीं है। अब क्या करेंगे, थोड़े दिन गुजारा बंधा पर करेंगे, जब भर जाएगा उसके बाद फिर कोई चारे नहीं है। इस गांव में है पानी का लेवल बढ़ रहा था रात में, करीब इस समय खतरे निशान से जो मॉर्निंग का है 28 सेंटीमीटर अभी एल्गिन ब्रिज पे अभी खतरे के निशान से नीचे है। और हम लोग यहाँ घूम के राजस्व विभाग के सारे लोग हैं, बाढ़ विभाग के भी लोग हैं, हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि जो बंधा है सनावा का अस्थायी तौर पे जब पानी आता है तो वहीं लोग शिफ्ट होते हैं, वहाँ त्रिपाल और सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई जाती है। तो उन लोगों को किया जा रहा है कि आप लोग रेगुलर अलर्ट रहें और वहाँ जितना जल्दी जल्दी हो आप लोग वहाँ शिफ्ट करें। घाघरा नदी बहती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, जनपद बहराइच से और जनपद गोंडा और थोड़ा जनपद सीतापुर से जो लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे हमारी सतर्क दृष्टि रहती है क्योंकि हर साल जो है बाढ़ के समय वहाँ पर समस्याएँ आती हैं। लेकिन इस समय जो है ऐसी कोई बात खतरे की फिलहाल नहीं है, 28 सेंटीमीटर लगभग नीचे है घाघरा अपने डेंजर लेवल से और हम लोग उस पर लगातार सतर्क दृष्टि बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें निर्भर होता है कि नेपाल से कितना पानी छोड़ा गया, वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, तो यहाँ की बारिश से बहुत ज़्यादा उसका लेना देना उतना नहीं होता है, तो वो वहीं पर आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप की टीम की घोषणा कर दी है। इसमें फाइनल खेलने वाले 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को टीम का कप्तान बनाया गया है। भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी और बुमराह को एकादश में जगह दी गई है। आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट जारी की है जिसमें 12 खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम में भारत के 2, इंग्लैंड के 4, न्यूजीलैंड से 3, ऑस्ट्रेलिया से 2 और बांग्लादेश से 1 खिलाड़ी शामिल है। इंग्लैंड और वेल्स में रविवार को संपन्न हुए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 12वें एडिशन के बाद आईसीसी ने अपनी वर्ल्ड कप टीम घोषित की है। इस टीम में भारत के 2 खिलाड़ियों को जगह मिली है, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को इस टीम में जगह नहीं मिली है। भारत की ओर से इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है। आईसीसी ने अपनी वर्ल्ड कप टीम की कमान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को सौंपी है। इस टीम में सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी इंग्लैंड से, 2 भारत से, 2 ऑस्ट्रेलिया से, 1 बांग्लादेश से, जबकि कप्तान विलियमसन समेत 3 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में उन खिलाड़ियों को चुना है जिन्होंने 7 सप्ताह तक चले इस टूर्नामेंट में अपने खेल से सभी को लगातार प्रभावित किया। रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट में 5 शतक समेत सर्वाधिक 648 रन बनाए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर 9 पारियों में 18 विकेट चटकाए। टीम इस प्रकार है: जेसन रॉय, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, जो रूट, शकीबुल हसन, बेन स्टोक्स, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार, जोफ्रा आर्चर, लॉकी फर्ग्यूसन, जसप्रीत बुमराह और 12वें खिलाड़ी के रूप में ट्रेंट बोल्ट। 5 सदस्यीय चयन समिति ने इस टीम को चुना है। समिति में पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर यान बिशप, यान स्मिथ और ईशा गुहा शामिल हैं। समिति में इन तीनों के अलावा क्रिकेट लेखक लॉरेंस बूथ भी शामिल थे। आईसीसी के जनरल मैनेजर जो एलाडिस इस समिति के 5वें सदस्य और संयोजक थे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लोकसभा में चर्चा के बाद एनआईए संशोधन विधेयक हुआ पारित। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सुरक्षा के मामलों में न हो कोई राजनीति, कानून का नहीं होगा किसी प्रकार का दुरुपयोग। प्रदेश कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। घरों में छोटी दुकानों के लिए दिए जाने वाले टैक्स में दी गई राहत। दरोगा से इंस्पेक्टर बनने के लिए विभागीय परीक्षा में अब 35% ही अंकों की जरूरत। प्रदेश में लोक सेवा आयोग का वार्षिक कैलेंडर 2020 तक होगा लागू। प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा आयोग में नहीं पनपने दिया जाएगा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार।
प्रदेश में बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर समेत कई जनपदों में सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि हुई जलमग्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार।